स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह हु इज़ द मोस्ट बेनिफिशिएंट एंड मोस्ट मर्सीफुल। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 2 है आपके पास, आई थिंक इसको ए प्लस बी आयोटा में लिखना है, ठीक है। बुक से क्वेश्चन देख लीजिएगा, सिंप्लीफाई करना है इसको सिंपल, ठीक है। अब ये देखिए, 2+3 आयोटा प्लस 7-2 आयोटा। तो हमने सॉल्व में क्या किया, 2+3 आयोटा, इस प्लस को सॉल्व करें, प्लस यहाँ पे 7 के साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस होगा, ठीक है। प्लस 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 7 प्लस -2 आयोटा। 2 और 7 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। 2+7 9 होता है, आयोटा वाली वैल्यू इसको कंबाइन कर लें, 3-2 इज़ इक्वल टू 1, तो हम 1 यहाँ पे लिखते नहीं है, सो ये क्या बन जाएगा, आयोटा 9 प्लस आयोटा आंसर होगा। सेकेंड पार्ट है, 2 पहले हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, और इसी तरह से 3 भी इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। 2 5 10 प्लस 2 4 8 आयोटा, -3 7 21 माइनस प्लस -3 4 12 आयोटा, ठीक है। अब देखिए, ये 10-21 -11 और आयोटा वाली जो है हमारे पास +8 -12 है, तो ये क्या हो जाएगा, -4 के इक्वल, सो ये हमारा आंसर है। थर्ड पार्ट है आपके पास, माइनस है बाहर, ठीक है। -3 प्लस 5 आयोटा इंटू -4 प्लस 9 आयोटा, ये क्या हो जाएगा, -- प्लस 3, ठीक है। -+-5 आयोटा, -4 -+-9 आयोटा, ठीक है। 3-4-1 -5-9 -14 7 आयोटा आ जाएगा। फोर्थ पार्ट है जो कि इम्पॉर्टेंट भी है और बहुत ईजी सा भी है, ठीक है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। 2 आयोटा स्क्वायर प्लस 6 आयोटा क्यूब प्लस 3 आयोटा 16 -6 आयोटा की पावर 19 प्लस 4 आयोटा 25। पहले तो हम आयोटा 2 में इसको कन्वर्ट करेंगे, जो पावर स्क्वायर में नहीं है, ठीक है। तो 2 में हम स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। 2 आयोटा स्क्वायर एज इट इज़ प्लस 6 क्यूब है, तो हमने आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा लिख दिया, प्लस 3 16 को 2 इंटू 8 लिख दिया, -6 आयोटा 19 था तो हमने 18 डॉट। अच्छा, ये बात याद रखें, जब भी पावर ऑड होगी, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, तो आपने उसको पहले इवन में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। जैसे 19 थी 18 डॉट आयोटा, या फिर 3 थी 2 डॉट आयोटा, ठीक है। तो इस तरह से प्लस 4 ये 25 थी तो 24 डॉट आयोटा आ गई, ठीक है। अब ये एज इट इज़, ये भी एज इट इज़, उसके बाद ये भी एज इट इज़। अब हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं 2 × 9, और ये आयोटा एज इट इज़, ठीक है। और यहाँ पे 2 × 12 लिख देंगे 14 को, ये आयोटा एज इट इज़। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं, आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है कि हम जानते हैं, ठीक है। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, यहाँ भी पुट हो गया, प्लस 6 यहाँ भी पुट कर दिया हमने, ये आयोटा एज इट इज़, प्लस 3 आयोटा स्क्वायर की जगह -1, और यहाँ पे बाहर 8 आ जाएगा, -6 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पावर 9 एज इट इज़, ये आयोटा एज इट इज़, प्लस 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, 12 एज इट इज़ पावर, और ये आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे -2 × -1 इज इक्वल टू -2 प्लस -6 और ये आयोटा आ जाएगा, प्लस 3 -1 की पावर इवन नंबर है तो ये 1 -1 जो है प्लस 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह -6 -1 की पावर ऑड है तो ये -1 ही रहेगा और ये आयोटा साथ आ जाएगा, प्लस 4 पावर इवन है तो 1 -1 जो है 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, आयोटा एज इट इज़। -2 -6 आयोटा, प्लस 3 वन ज़ा 3 -- प्लस 6 और ये आयोटा आ जाएगा साथ, प्लस 4 वन ज़ा 4 और 4 आयोटा से मल्टीप्लाई होकर 4 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। 3-2 1 आ जाएगा, उसके बाद प्लस का 6 आयोटा और -6 आयोटा ये हो जाएंगे कैंसिल, और यहाँ पे 4 आयोटा प्लस के साथ रह जाएगा। तो आंसर क्या है हमारा, 1+4 आयोटा, ठीक है। ये थे इसके 4 पार्ट्स। आई होप कि ये तमाम पार्ट्स आपको समझ आ चुके होंगे। फिर भी अगर कोई बात समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके अलावा अगर आप मुझसे ऑनलाइन लेक्चर्स लेना चाहते हैं क्लास 9th के, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।